हो गई है बंद और ये चारों तरफ मैं ही आपको दिखाई दे रही हूँ। कहते ना मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। आपको पहले अस्सलाम वालेकुम। आप ग्रीस में भी मौजूद हैं? जी ग्रीस में भी आप ही मौजूद हैं? टर्की बहुत ज्यादा घूमा है, लंदन, यूके, यूरोप, बहुत सारे मुल्क उन्होंने घूमे हैं। तो वहां पर ये जो छज्जे बने होते हैं जिनको हम बैल्कनीज कहते हैं, वो इतनी बड़ी नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आप तमाम लोगों के? उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं होंगे बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश अंदाज में अपनी जिंदगी को गुजार रहे होंगे। जनाब मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्रीस के शहर थिस्सलोनिकी में, जरा मुश्किल है उसको प्रोनाउंस करना। और यहाँ ना क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं, घरों को, जगहों को सजाया गया है। तो मैं जिस जगह रुकी हूँ मैंने सोचा कि आपको सिस्टम दिखा दिया जाए। ये देखिए, ये आपको बॉक्सेस नजर आएंगे, इसके अंदर घर से जाने वाला चाबी छोड़ जाता है, इसके अंदर इस तरह से आप अपना कोड लगाते हैं और उसके बाद आप बाकी जो घर के अफराद हैं वो चाबी निकाल लेते हैं। और ये देखें, इधर से फिर दरवाजे को आप अनलॉक करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, की मैं ऊपर छोड़े। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अंदर सूरत हाल कैसी है और लोग यहाँ पे छोटी उसमें जगह में कैसे अपने घर को बनाते और सजाते हैं। आ जाए जी, देखिए यहाँ पर स्वीट्स रखी गई हैं, क्योंकि बताया था क्रिसमस की आमद है। ये सैनिटाइजर है और ये आपको हर जगह ना क्रिसमस ट्री दिखाई देंगे। ये बड़ा ही फेस्टिविटी का वक्त चल रहा है। पौधा है, यहाँ से हम जरा ऊपर जाएं तो ऊपर जाने के लिए हमें लिफ्ट में जाना होगा, लिफ्ट खुली है। और ये देखिए, हर घर पे आपको इस तरह की क्यूट सी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो हम जरा चलते हैं ऊपर, लिफ्ट में आ गई हूँ मैं, जाना है हमने थर्ड फ्लोर पे। और ये मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, चलते हैं। कुछ थोड़ा सा टाइम लगाती है ज़रा बंद होने में, तो मैंने सोचा कि आपको ज़रा दिखाया जाए कि जहाँ मैं रह रही हूँ वो कैसा है। देखिए जी, लिफ्ट हो गई है बंद और ये चारों तरफ मैं ही आपको दिखाई दे रही हूँ। कहते ना मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। तो इस लिफ्ट में इस वक्त सूरत हाल ऐसी ही है। तो थर्ड फ्लोर पर हम पहुंच रहे हैं। वन, टू, थ्री, लिफ्ट खुलने का इंतजार करते हैं। दरवाजा खुलने में जरा देर लगाती हूँ। खुल गया। आप यहाँ आए तो ये है हमारा अपार्टमेंट। यहाँ पर भी इसी तरह क्यूट सी एक चीज लटकी हुई है। और ये देखिए जी, आपको पहले अस्सलाम वालेकुम। आप ग्रीस में भी मौजूद हैं? जी ग्रीस में भी आप ही मौजूद नहीं हैं? मौजूद, और क्या क्या हाल है आपके? ठीक है? तो बस ठीक काम है में जी। लगा। हाँ, काम कर रहे हैं, यहाँ आके भी काम करते। तो आपको अपार्टमेंट दिखाती हूँ जी। यहाँ से एंटर होते हैं, ये कबर्ड्स है, दरवाजा हम कर देते हैं बंद। और इसके बाद आप, ये इतनी सी ही स्पेस है जो आपको दिखाई देगी। इस तरफ ये सीढ़ियाँ कहाँ जाती हैं वो बाद में दिखाती हूँ। ये देखें, एक ये रखा गया है, चूंकि हम यहाँ पर हैं तो टिश्यू विशू आपको थोड़ी नजर आ जाएंगे। ये एक दो लोगों के लिए अपार्टमेंट है, तो दो कुर्सियां हैं, यानी कि डाइनिंग है। साथ ही ये लिविंग का एरिया है। ये देखिए कितना अच्छा सा सोफ़ा है, और ये सोफे पे बैठ के इस तरह आप काम भी कर सकते हैं। वैसे बाहर आके काम कम करना चाहिए, लेकिन इकरार बहुत काम के, वो कहते हैं ना, शौकीन है, हर वक्त काम करना होता है। ये देखिए जी, ये कुछ टिकोर यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, कितना क्यूट है। यहाँ से अब ज़रा, ये बालकनी है, मैंने पर्दे हटाए थे, ज़रा हवा आए, आपको बाहर जाके भी दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर अच्छी ठंडी हवा। ये भी दो लोगों के बैठने के लिए बैल्कनी है। ये आप देखिए, ये विंटर को रिप्रेजेंट करता है, स्नो फ्लेक्स कहते हैं, जो गिरती है ना स्नो, वो इस तरह की शक्ल इख्तियार करती है। ये पूरी स्ट्रीट है और स्ट्रीट के साथ साथ शॉप्स हैं, और ये पूरी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ना बैल्कनी का रिवाज बहुत ज़्यादा है। तो अभी ज़रा ऊपर चलते हैं, बल्कि इकरार ने मुझे तवज्जो इस जानिब दिलाई थी, वो बात मैं आपको बाद में बताती हूँ। ऊपर चलते हैं। ये जी, यहाँ पर मज़े की चीज़ आपको इंटरेस्टिंग दिखाऊँ। आप सोच रहे हैं ये क्या है? ये वाटर हीटर है, इसके अंदर पानी होता है और फिर बिजली से ये पानी गर्म होता है और आपका घर ठंडा हो जाता है। ये किचन है, कॉम्पैक्ट सा। तो ये दिखाना ये चाहती हूँ कि यहाँ छोटी छोटी जगहों पर लोग रहते हैं। ये एक वॉशरूम नीचे है, अब हम ऊपर चलते हैं, जो कि दरअसल बेडरूम का एरिया है। यहाँ से सीढ़ियाँ, जगह आप देखें लोगों ने कैसे बचाई हुई है। और ये खिड़की है, जिससे अगर छोटे बच्चे हैं तो आप नीचे नज़र रख सकते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। तो ये जी बेड है, उसके सामने ये टीवी भी है। और यहाँ से अगर हम अंदर चले जाएं तो ये है वॉशरूम, और ये सामने खिड़की अभी धुंधली हो गई है। तो ये उन्होंने इस तरह से टब भी है, और यहाँ पर भी हीटिंग का सिस्टम लगाया गया है। तो ये देखिए, कम जगह को
यूटिलाइज करते हुए कितना जबरदस्त ये जगह को बनाया गया है। तो जी वो जो बात मैं आपको बता रही थी ना कि इकरार ने जिस जानब मेरी तवज्जो दिलाई, इकरार ने कहा कि इन घरों का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे कहीं भी किसी तस्वीर में किसी जगह, तो आपको पता चल जाएगा कि ये थेसलोनिकी है, ग्रीस का शहर। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगे मैंने टर्की बहुत ज्यादा घूमा है, लंदन, यूके, यूरोप, बहुत सारे मुल्क उन्होंने घूमे हैं, तो वहां पर ये जो छज्जे बने होते हैं जिनको हम बैल्कनीज कहते हैं वो इतनी बड़ी नहीं होती, यहाँ पर काफ़ी बड़ी और काफ़ी उसको डेकोरेट किया गया, तो ये इस शहर की पहचान है। तो फिर जब मैंने भी गौर किया तो ऐसा ही था। तो इस तरह यहाँ पर छोटी सी जगह को कारामत बनाया जाता है, किसी जगह को ज़ाया नहीं किया जाता। और मैंने आपको बताया ये हीटिंग सिस्टम कितना यहाँ पर ज़बरदस्त है। तो लोग यहाँ पर ज़्यादातर सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, तो इससे मुझे भी सीखने को ये मिला कि अगर दो चार लोग हैं तो इस तरह के घर भी बनाए जा सकते हैं। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।